यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का पंजीकरण 1 फरवरी से शुरू होगा। वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो लेट स्टार्ट द वीडियो। जेपीएससी ने 342 रिक्तियों के साथ संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, तो कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आइए जानते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी है। उम्मीदवार 1 मार्च तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 से शुरू होने वाली है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 रिक्ति विवरण है, 342 रिक्ति भरने के लिए तैयार हैं। तो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें से करें अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और ईबीसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹100 लगे हैं, जबकि जो उम्मीदवार आरक्षित में है उसे ₹50 लगेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सारी जानकारी को एक एक करके यहीं से हम देख सकते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से देखेंगे सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। जैसा कि आपके पास स्कोर चल रहा है तो यहाँ से आप क्लिक करके आप अपना नोटिस को यहाँ देख सकते हैं। आइए इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम आपके झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पर दी हुई है। और कुल पद बता दें कि 342 रिक्तियों के आधार पर अर्थाधारी से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। और ये देख रहे हैं आपकी वेबसाइट है jpsc.gov.in पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर बात करें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपका है 1 फरवरी 2024 10 बजे से शुरू है और 29 फरवरी 2023 अपराह्न 5 बजे तक भरा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 अपराह्न 5 बजे तक ही होगी और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 अपराह्न के 5 बजे तक होंगे। प्रारंभिक सूचना की यदि बात करें तो संभावित तिथि परीक्षा के लिए है 17 मार्च 2024 को, ये आपका संभावित बता रहा है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई सारी जानकारी को अवश्य पढ़ें और इसमें देखें आपके नंबर भी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दी हुई है, इस पर आप हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हैं। कार्य दस पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपसे संपर्क किया जा सकता है अगर किसी तरह की असुविधा हो तो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा वीडियो को लाइक जरूर करें और न्यू अपडेट पाने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।